चलिए, मेरी आवाज और स्क्रीन जा रही होगी आप लोग को। देखिए, हीरो मोटो में जो है ना, हीरो मोटो में एक मैं सेल कर रहा हूँ, ऐसे करके रिस्क लिया है। खुलते के साथ मार्केट खुलते के साथ मैंने एक रिस्क लिया है, हीरो मोटो पे सेल किया और ₹50 का प्रॉफिट भी हो गया। छोटा क्वांटिटी मारा है, ज्यादा बड़ा नहीं मारा, 63 का हो गया है ना, 45 का प्रॉफिट हो गया। हीरो मोटो को थोड़ा सेल कर सकते हैं, 9:16 हुआ, लेकिन रिस्क है थोड़ा सा, ठीक है। ₹2930 का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं, ₹2930 का स्टॉप लॉस लगा के आप सेल कर सकते हैं। अभी मैंने 30 क्वांटिटी को सेल किया हुआ हीरो मोटो को, है ना, थोड़ा एक रिस्क लिया है यहाँ पे हीरो मोटो का। देख रहे हैं ऑल पोजीशन 50 का प्रॉफिट है, 13 106 हो गया। देखिए, आज आप लोगों का लास्ट है इस लाइव ट्रेडिंग रूल। तो देखिए, हीरो मोटो कॉर्प मेरे ख्याल से नीचे 2800 तक आ जाना चाहिए यहां पर। यहाँ पे थोड़ा रिस्क लिया है खुलते के साथ और मुझे लग रहा है हीरो मोटो आपका काम कर देगा और प्रॉफिट बन जाएगा। आज है एक्सपायरी, तो एक्सपायरी में अभी उतना मजा हम लोगों को लेना नहीं है। मार्केट 30 पॉइंट नीचे खुल रहा है, चल रहा है, तो खास 30 पॉइंट में क्या मजा आएगा। कल करेंसी देखा आप लोगों ने, अच्छा मूवमेंट किया करेंसी ने, है कि नहीं? कल करेंसी ने एक अच्छा मूवमेंट किया था कि नो साउंड नो स्क्रीन, साउंड स्क्रीन दोनों ही जा रहा होगा सर। हेलो, मैं एकदम सही है, साउंड स्क्रीन दोनों ही सही है, नहीं जा रहा है या फिर लेट से जा रहा है? ठीक है, ये भी साउंड भी सही है। अभी ठीक है, ये भी ठीक है, कैमरा भी सही है। मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, देखो करंट हीरो मोटो को सेल करना है, हीरो मोटो को सेल करना है। अभी ठीक है साउंड और स्क्रीन? 2930 का स्टॉप लॉस लगा के आप, या फिर 2940 का भी स्टॉप लॉस लगा आप सेल कर सकते हैं। 2910 के नीचे अगर आ जाए तो, और यहाँ पिछला एक रेजिस्टेंस एरिया है, उस एरिया के आसपास हो सकता है यहाँ से आपको रुकावट देखने को बन सकता है। अभी थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जाने देंगे उसको, कोई टेंशन उसे खास है नहीं। अभी ठीक है साउंड और स्क्रीन? कोई जवाब नहीं दे रहे मुझे। ये अब ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, रिजेक्शन मिलना चाहिए इसको। चलिए अब इसको काट देते हैं। है 2927 के नीचे, सेल करना है और 2930
₹40 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 2900 तक का टारगेट नीचे बन सकता है। मॉर्निंग मॉर्निंग, आज लास्ट है आप लोगों का। करेंसी बहुत ही अच्छा ऊपर गया, देखिए कल करेंसी बहुत अच्छा मूवमेंट दिया दिया था कि नहीं दिया था, प्रॉफिट बना हुआ करेंसी में। मैंने बिल्कुल बाय साइड बोला था कि बाय साइड बने रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। है ना, चलिए 2927 या 28 के नीचे आप सेल करके चल सकते हैं। अभी ये ऊपर के भाव पे कुछ क्वांटिटी अगर यहाँ पे बेचना है, रिस्क लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो आप जब 2930 के नीचे आएगा तब आपको सेल करना है। अभी मैं ऑर्डर लगा के रखूंगा, मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं ऑर्डर लगा के तेज मूवमेंट करेगा और ये 2900 तक लेके आएगा। देखिए बहुत तेजी से वो नीचे आएगा, बशर्ते ये 2927 2928 ये सब लेवल को नीचे ब्रेक कर दे तब। आप लोग अगर कुछ क्वांटिटी यहाँ पे सेल करना है तो कर सकते हैं, थोड़ा रिस्क लेना चाहे तो स्टॉप लॉस ऊपर 2940 से लेके 45 के आसपास में रखें, और ये नीचे जैसे ब्रेक करेगा आपको तेज। मेरा भी फिलहाल यही ट्रेड रहेगा, देखिए अभी आप कैसे ये नीचे आएगा और आपको एक प्रॉफिट बना के देगा। आ रहा है नीचे, तेजी से आ रहा है, अभी मेरा एक यही ट्रेड है, छोटा सा ट्रेड है। अब मैं इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर दूंगा, इसी कैंडल का हाई प्राइस में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा, इसी कैंडल का हाई प्राइस में स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूंगा। देखिए आ गया आ गया आ गया, नीचे आ रहा है, बहुत सुंदर बहुत बढ़िया। 2900 तक के टारगेट बनेंगे यहाँ, 2900 तक यहाँ तक का टारगेट बनेगा, और देखिए अभी कैसे वो आएगा, जरूर आएगा, पूरा भरोसा है। स्टॉप लॉस भी काटेगा तो ₹2940 का मैं स्टॉप लॉस मेंटेन कर दूंगा और उतना सा रिस्क ले सकता हूँ। आ रहा है नीचे, आ गया आ गया आ गया आ गया, आ रहा है, देखिए बिल्कुल मेरा सेलिंग प्राइस के आसपास से ही मूव कर रहा है। आ रहा है आ रहा 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 आ रहा, आ जा आ जा आ जा नीचे आ जा नीचे। देखिए किस तरह से ये यहाँ पे पेशेंस टेस्ट कर रहा है। साइकोलॉजी क्या है, आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, आपको थका देगा, आपको डरा देगा, पूरा का पूरा दिमाग का दही कर देगा, फिर आपको मजबूर कर देगा निकलने के लिए कि आप निकल जाइए आप निकल जाइए। और आप जैसे निकले अब स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए, अगर आपने सेल किया है तो ₹2940 का आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लीजिए। आपको क्या करना है, ₹2940.25 से लेके ₹2940.15 का एक स्टॉप लॉस मैंने मेंटेन कर दिया, ठीक है। और अभी वेट करेंगे, और अभी क्या करेंगे, वेट करेंगे बस। क्या आप लोगों ने सेल किया है हीरो मोटो को, क्या आप लोगों ने सेल किया करेंट भाव पे? और सेल किया होगा तो आपको डर लग रहा होगा, सेल किया होगा तो बिल्कुल आपको उम्मीद है कि आपको डर लग रहा होगा। डर लग रहा है, मैंने स्टॉप लॉस लगा दिया तो मुझे डर नहीं है, और मेरा क्वांटिटी मेरे रिस्क के हिसाब से जितना मुझे रिस्क लेना है उतना मैंने क्वांटिटी रखा हुआ अपना हिसाब से।
हाँ बिल्कुल डर नहीं लग रहा, रिस्क मैनेजमेंट है, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ऑटो में आज थोड़ा गिरावट देखने को मिल रहा है क्या? सिर्फ एस्कॉर्ट भी 1815 के नीचे आएगा तो कमजोर हो जाएगा एस्कॉर्ट। उन्तीस सौ तक इसको आना चाहिए, 1815 के नीचे निकलता है तो ये कमजोर हो जाएगा एस्कॉर्ट। सो 17 का इसने लो लगाया है, कमजोर है, कोई दिक्कत नहीं। हीरो मोटो यहाँ पे है, ट्रेड हो रहा है, असल कटेगा तो कटेगा, अपना रिस्क है, मेरे पास है। लेकिन याद रखिए मैं अभी बोलता हूँ, लाइव मार्केट है और आप लोग बैठे, मैं अगेन बोल दूँ, अगर ये काट गया स्टॉप लॉस और ये दोबारा अगर 2927 के नीचे आया या 2925 के नीचे आया तो फिर से सेल कर सकते। अगर ये काट गया स्टॉप लॉस और दोबारा से अगर ये ऊपर से रिटर्निंग करके नीचे आता है फिर आप सेल कर सकते हैं दोबारा भी। मार्केट ऑलरेडी 874 आ चुका है, 875 आ चुका है, 800 तक आना, ये पहला सपोर्ट एरिया, दूसरा सपोर्ट एरिया है 800। एक बार यहाँ तक आ सकता है, चांस है कि यहाँ तक आ जाए। आ रहा है मार्केट नीचे नीचे, धीरे धीरे आ रहा है। पचास के आसपास आ गया है, ये एक अच्छा सपोर्ट है, लेकिन बढ़िया सपोर्ट 820 के आसपास अगर यहाँ पर आता है तो ज़्यादा बेहतर होगा। वेट करते हैं सिर्फ हीरो मोटो, हाँ देखिए अभी ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, आना होगा इसको नीचे, इसको आना होगा। और ये 2900 तक आ सकता है नीचे, यानी 25 पॉइंट के आसपास मेरा जो सेलिंग प्राइस है वो है 2922.70। उसके नीचे जैसे ही आएगा ये 2900 तक आ सकता है, आराम से आएगा, वेट करते हैं। एक्सिस बैंक को बेच के चल सकते हैं, एक्सिस बैंक को आप बेच के चल सकते हैं। साथ
768 के नीचे, 768 के बिलो बेचना है एक्सिस बैंक को। अच्छा चलिए वोटिंग करते हैं, बताइए कितने लोगों को लगता है कि प्रॉफिट देगा और कितनों को लगता है कि लॉस देगा। बताइए तो इस जगह पे जहां पे ट्रेड हो रहा है कितनों को लगता है कि प्रॉफिट देगा और कितनों को लग रहा है कि लॉस देगा। प्रॉफिट देगा, संदीप जी का भरोसा है कि प्रॉफिट देगा, बहुत बढ़िया। 768 के नीचे आपको बेचना है एक्सिस बैंक। कल मैंने बोला था आप लोगों को प्रॉफिट देगा, वाह बहुत बढ़िया। कल मैंने आप लोगों को बोला था बनिया बनिए, है ना। एक मिनट, चार कैंडल, ये समझिए कि ये चार कैंडल का लो प्राइस एक ही जगह पे, लोग यहाँ पे क्या कहते हैं जानते हैं सर, मेरा प्राइस के पास आता है और वहां से घूम जाता है, मेरा प्राइस के पास आ रहा है ना, अभी आप क्या देख रहे हैं कि मेरे प्राइस के पास से ही घूम जा रहा है। लोगों में भी यही कंफ्यूजन होता है कि सर एग्जैक्ट मेरे ही प्राइस के पास से घूमता का है, एग्जैक्ट मेरे प्राइस के पास से क्यों घूम जाता है सर। देखिए मेरे साथ भी तो वही हो रहा है, मेरे प्राइस के पास से घूम जा रहा है, ये सबके साथ होता है। बस आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ पे एंट्री मारना है। अगर वो आपको, अगर मैंने कहा था जब ये ऊपर गया था, मैंने तब भी बोला था जो रिस्की ट्रेडर है यहाँ पे क्वांटिटी सेल कर सकते हैं, कुछ क्वांटिटी, तो जिन लोगों ने सेल किया होगा 2936, 2940, 2940 नहीं 35, क्या वो लोग तो आप लोग प्रॉफिट में है लगभग लगभग 8 पॉइंट है कि नहीं है। तो एक तो वो जगह हो गया सही, दूसरा इसके नीचे, इसके नीचे अगर ये गिरता है तो आपको एक अच्छा प्रॉफिट बना के देगा। फिर ठीक है ना, तो ये चार बार का सपोर्ट हो गया ना, उसका चार बार का सपोर्ट हो चुका है। जब चार बार का ये सपोर्ट ले लिया है तो इसका मतलब अगर ये चारों बार का सपोर्ट टूट गया तो तेज गिरावट बनेगा। आज है एक्सपायरी तो थोड़ा संभल कर दे, देखिए बहुत पेशेंस को टेस्ट करा रहा है। ध्यान से सुनिए, अब आप एक्सिस बैंक को 774 रुपया का स्टॉप लॉस के साथ सेल कर दीजिए। अब आप एक्सिस बैंक को 774 रुपया, मात्र 2 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए और सेल कर दीजिए। अभी 772 चल रहा है, मात्र 2 रुपए का रिस्क है। चार रुपए भी आ जाएंगे तो आपका काम हो जाएगा।
एक्सिस बैंक को ₹2 के रिस्क के साथ किया एक्सिस बैंक को सेल। अगर करना है तो जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी, वो जबरदस्ती नहीं कि करना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन अगर सेल किया होगा तो मात्र ₹2 का रिस्क है, ज्यादा का रिस्क है ही नहीं यहाँ पर। हाँ, रिस्क ज्यादा लेना चाहें तो ₹3 कर लीजिए, लेकिन ₹2 का रिस्क भी काफी है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, 774 का एसएल रहेगा, 772 पे मैंने बोला ना, 774 का एसएल रहेगा। 2 पॉइंट का रिस्क लगाना है एक्सिस बैंक और सेल कर लेना। और ये देखिए कैसे अपने आप को रोक रहा है, बहुत ही मेरे ही प्राइस के बारे, यही में लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, यही में लोगों को डर लगता है कि सर मेरे ही प्राइस से ये क्यों मूव करता है, ये मेरे प्राइस के आसपास आता है, मेरा एसएल कटता है, ऊपर निकल जाता है, ऐसे दिमाग में आते रहते हैं सवाल। नहीं, लेकिन एक्चुअली सबके साथ होता है। एक्सिस बैंक अगर सेल किया है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपका बन गया होगा, एक्सिस बैंक 40-50 पैसे का। ये किस तरह से होगा, ये आप ऐसे समझिए कि ये इस तरह से नीचे आया, नीचे आया पूरी ताकत के साथ, ठीक है, बहुत फ्लो में आया नीचे, उसके बाद ताकत लगा कि ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा ना, तो जो एरिया है ये एरिया, यहाँ पर से इसका स्ट्रेंथ खत्म होता है, क्योंकि अभी दिख रहा चार्ट यहाँ पर से स्ट्रेंथ खत्म हुआ है, तो वापस इसी एरिया पर आ चुका है, तो जो एरिया के पास में इसका स्ट्रेंथ खत्म होता है, तो वापस हो सकता है ये एक बार इस तरह से नीचे आने की कोशिश करेगा, 770 के आसपास में आ सकता है, चांस बना सकता है। सेल कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं, डर लगे तो मत करिए, क्योंकि यहां से सिर्फ 2 ही पॉइंट का आपके पास रिस्क बनता है, बहुत ही छोटा रिस्क है, आप इतना छोटा रिस्क नहीं लेंगे तो क्या लेंगे। आज इसका रिजल्ट वगैरह तो नहीं है हीरो मोटो का, क्या कि रिजल्ट में ही थोड़ा सा ज्यादातर चांस करता है इस तरह का मूवमेंट। एस्कॉर्ट 1816 के नीचे आ गया, सेल लेवल एग्जीक्यूट हो चुका है एस्कॉर्ट,
अब ये 1810 और 1800 का लेवल देने की कोशिश करेगा एस्कॉर्ट। मैंने अपने मोबाइल ऐप पर भी दिया हुआ है इसको सेलिंग में। एक्सिस बैंक आपने सेल किया होगा तो जरूर आप प्रॉफिट में होंगे या कॉस्ट टू कॉस्ट होंगे। क्या एक्सिस में आ गए प्रॉफिट में आप लोग? एस्कॉर्ट में भी प्रॉफिट में आ गए, एस्कॉर्ट भी नीचे आ रहा है। अब ये होगा, अब दिमाग में दूसरा साइकोलॉजिकल लेवल होगा, चीजें आएगी कि सर देखिए मैंने एस्कॉर्ट छोड़ दिया ना, तो देखिए कितना अच्छा एस्कॉर्ट नीचे आ रहा है, एस्कॉर्ट बेचा नहीं तो कितना अच्छा आ रहा है, देखिए बहुत बढ़िया आ रहा है सर। और देखिए ना हीरो मोटो लिए ना सर तो आ ही नहीं रहा, जो लेते हैं ना सर वही नहीं चलता है, जो छोड़ देते हैं वही चल जाता है ना। ये सारे साइकोलॉजिकल चीजें दिमाग में आती होगी। नहीं देखिए हम लोग क्या लिए, हीरो मोटो कहीं नहीं जा रहा, रुक गया, और एस्कॉर्ट छोड़े तो देखिए तुरंत 1817 से सीधे 1810 आ गया, 12 आ गया, ऊपर से देखिए कैसे आ रहा है, धड़ाधड़ आते जा रहा है, नहीं आ रहा है। ये सब चीज दिमाग में आता है। ये 1810 तक आना चाहिए पहले। बिल्कुल आता है ना, ये चीजें आती है दिमाग में, ये मुझे पता है। अक्सर लोग ऐसे ही में कंफ्यूजन में पड़े रहते हैं, जो छोड़ देता हूँ वो चल जाता है, जो नहीं लेता हूँ, जो ले लेता हूँ वो नहीं चलता, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब साइकोलॉजिकल चीजें, ये सब में दिमाग नहीं लगाता। देखिए एक्सिस बैंक अगर आपने 774 का एसएल लगाया होगा तो उसके पास पहुंच गया है। ये 2 रुपए का जो एसएल था वो कटने वाला है, 73 रुपए 80 पैसे का हाई मारा है, हो सकता है काट देगा, कोई बड़ी बात नहीं, एकदम छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के बैठे 2 रुपए का स्टॉप लॉस के साथ, हो सकता है काट दे। अभी 73 रुपए 85 पैसे का हाई मारा, 74 का हाई नहीं लगाया है, अभी भी बचे हुए हैं, तो 2 रुपए का रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं, 2 रुपए का रिस्क लिया है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं। ₹773.85 15 पैसे से आपका स्टॉप लॉस बचा है आप लोगों का। ₹773.90 का हाई मारा, चलिए देखते जाइए, कट रहा है, कट जाए तो भी दिक्कत नहीं, नहीं कटे तो भी दिक्कत नहीं। दस पैसे से आपका स्टॉप लॉस बचा,
773.90 रुपये का हाई मारा। हाँ माइंड से टेस्ट कर रहा है ना, बिल्कुल 773.90 रुपये का हाई मारा है, 10 पैसे से अभी बचा है। कल एक्सिस बैंक को हम लोगों ने देखा क्या कि एक्सिस बैंक की पिटाई इस एरिया पर हुई है, एक्सिस बैंक की पिटाई इस एरिया पे हुई है, तो हो सकता है आज एक्सिस बैंक उसको पीट दे। अगर उसको पीट देगा तो ऊपर भाग जाएगा, लेकिन वापस से एक्सिस बैंक को अगर ये लोग पीट देगा इसी एरिया पे जो कि कल भी पिटाया हुआ था, 200 रुपया नीचे आ जाए, है ना। तो अगर ये 774 के ऊपर क्लोज करके टिक गया तब तो समझिए एक्सिस बैंक ने उसको पीट दिया पकड़ के, जिसको जिन लोगों ने कल एक्सिस बैंक को पीटा था आज एक्सिस बैंक ने उसको पीट दिया। अगर 774 के ऊपर क्लोज हो जाएगा तो फिर एक्सिस बैंक ऊपर भाग जाएगा, और नहीं तो यही लोग ताकतवर है तो ये पीट रहा है एक्सिस बैंक को। सामने में देखिए यहाँ पे बहुत पिटाई हुई तो ये नीचे आ गया, इसी तरह यहाँ पे फिर पिटाई हो गई, देखिए फिर उसको ऊपर जाने में दिक्कत हो रहा है। बच गया आपका स्टॉप लॉस, फिर उसी जगह पे आ गया नीचे, है ना, लगभग लगभग कॉस्ट टू कॉस्ट। अच्छा हम लोगों का ये देखिए एस हीरो मोटो ये फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग का स्टॉप लॉस काटेगा, काटेगा बिल्कुल, लेने के लिए तैयार बैठे हम लोग, माइंडसेट प्रिपेयर है हम लोगों का, कोई टेंशन नहीं। अपना माइंडसेट डेवलप करिए कि हाँ ये चीजें हो सकता है, और अगर ये नहीं हुआ तो क्या हो सकता है, कहां पे हम फंस सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट आ गया, वाह वेरी गुड, जुबिलियन फूड का फर्स्ट टारगेट आ गया। कल ही तो दिया था ना शॉर्ट कॉल, शॉर्ट टर्म कॉल ना जुबिलियन फूड, चलिए हाँ 620 आज का हाई कितना है 622, वाह बहुत बढ़िया। तो मैं जरा अपडेट कर दूं सारे जगह, देखिए इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म कॉल, क्या जबरदस्त एक ही दिन में आ गया। मस्त हो गया नहीं, प्रॉफिट बुक किया जुबिलियन फूड का, चलो भाई हीरो मोटो आ रहा है नीचे,
17,950 नेक्स्ट एक्सपायरी का एस्कॉर्ट आ रहा है ना नीचे? हाँ एस्कॉर्ट आ रहा है नीचे, हीरो मोटो भी आ रहा है, एस्कॉर्ट भी आ गया, 1810 हो गया। लीजिए बुक से हम प्रॉफिट कर सकते हैं एस्कॉर्ट में, बुक से हम प्रॉफिट कर सकते हैं एस्कॉर्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हीरो मोटो भी आ गया नीचे, है ना, ये हुआ। जिन लोगों ने 2937 से लेके 2938-35 के बीच में बेचा है, आप लोग 10 पॉइंट 12 पॉइंट प्रॉफिट में हैं। अगर कुछ क्वांटिटी बुक करना है तो कर सकते हैं। आ गया नीचे, वाह, 2900 तक आना चाहिए इसको। आ रहा तो बोलिए, आप लोग का काम हो गया आज का ऊपर से, चूंकि आप लोगों ने सेल किया होगा ना 2936-37 के आसपास, तो 15 पॉइंट है ना आप लोग के पास, 15 पॉइंट आ गए ना हीरो मोटो में, तो कुछ क्वांटिटी बुक कर लीजिए। के आसपास तक में आ जाना चाहिए हीरो मोटो को। आज का दिन भर का टारगेट होगा 2870 रुपया, यानी कि ये होगा टारगेट यहां तक, इतना बड़ा होगा टारगेट। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप यहां तक रुकिए, मैं कहूंगा आपको बीच में जरूर प्रॉफिट बुक करिए। अभी स्टॉप लॉस हट सकता, 70% बुक कर लिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया किया आपने। बहुत बढ़िया, तो काम हो गया आप लोगों का। अब मैं क्या करता हूं ना, इसको हटा देता हूं यहां से, देखिए अभी ना स्टॉप लॉस कैंसिल कर देता हूं, ठीक है। अभी स्टॉप लॉस कैंसिल कर देता हूं और इसके जगह पे 2870 का एक टारगेट लगा देता हूं।
कहेंगे इतना बड़ा मैं पूरे दिन इसमें रुक सकता हूँ, अगर क्या हुआ गलती हो गया, अगर अगर ऊपर जाएगा तो स्टॉप लॉस मेंटेन कर देंगे। यहाँ पे टारगेट लगा दिया मैंने और इसको पूरे दिन भर छोड़ देंगे, जैसे कल करेंसी में छोड़ा था ना, जबरदस्त प्रॉफिट बना था करेंसी में, और अगर उसको होल्ड कर लेते तो और आवाज भी बढ़िया बनता, प्रॉफिट बहुत ही जबरदस्त। एक मेरे ग्रुप में लिख रहे हैं कि सर स्विंग और इंट्राडे आपको सूट, अब ये जो लिखते हैं स्विंग कॉल उसमें आप स्विंग कॉल मत लिखा करिए, आप सिर्फ लिखिए इंट्राडे, क्योंकि 12 घंटा के अंदर ही टारगेट डन हो जाता है, किसी का 3 घंटा में डन हो जाता है, तो ये स्विंग कॉल कहाँ से होगा, ये तो इंट्राडे हो गया। चलिए तो क्लोज करता हूँ, छोटा पेट भर गया, बस बोनस का इंतजार है। बहुत बढ़िया सलीम जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। छोटा छोटा लेते रहिए और हंसी खुशी घर जाते रहिए। खुशी खुशी घर जाइए, आज एक्सपायरी है, ज्यादा देर रुकिए मत। स्कोर तो आ गया, स्कोर देखिए कितना अच्छा सा आ गया, टारगेट 1805 हो गया। एस्कॉर्ट हम लोगों ने छोड़ा तो हम लोग का एस्कॉर्ट आ गया टारगेट, हम लोगों ने हीरो मोटो पकड़ा तो वो अभी भी वहीं पे घुमा रहा है ना, तो इसमें मैं बना रहूंगा। चलिए अभी मैं अभी क्लोज करता हूँ है ना, और आज लास्ट ही था, आप लोगों का प्रॉफिट बुक कर लिया, आप लोग घर जाइए। अब दोस्तों समय हो गया 11:21 और 8 सेकेंड, और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो हीरो मोटो का ट्रेड लिया था वो अभी भी चल रहा है सक्सेसफुली। 2870 का मेरा फाइनल टारगेट है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और देखिए कैसे आप ट्रेडिंग के वक्त कूल रह सकते हैं, मैं अभी थोड़ी देर पर मैं कंटिन्यू जो है वो ट्रेडिंग जहाँ लगा हुआ है लगा हुआ मेरे सारे सिस्टम पर, और उसके बाद मैं टाइम पास कर रहा हूँ इस पर अपना मिस्टर बीन को देखते हुए। तो हंसी खुशी काम करते हैं, टेंशन नहीं लेना है, और अपना धीरे धीरे टारगेट वर्गेट भी आ गया, कोई टेंशन नहीं। यहाँ अभी और इसको नीचे आना होगा, अगर नहीं नीचे गया, मान लीजिए ऊपर चला गया तो मैं तो स्टॉप लॉस है पता है, तो यहाँ तक इसको आना होगा नीचे, ठीक है ना। एक बार ये लेवल 2910 को अगर ब्रेक करता है तो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ में गिरावट आएगा, जो कि चांस होता है। पहली कैंडल का लो है 2913 और अभी जो लो बना है 2915, तो 2913 के नीचे निकलते के साथ और भी गिरावट बन सकता है, इस बात का ध्यान हमें रख के चलना है। तो चलिए वेट करना होगा दोस्तों और देखते हैं क्या सिचुएशन बनता है। अभी दो मेरा यही ट्रेड है, अभी आप देखिए मात्र 30 क्वांटिटी है,
पीसी है ना, आप कह सकते हो ये चिरकुट क्वांटिटी लेता है, अपना रिस्क मैनेजमेंट है, मैं उसके हिसाब से फॉलो करता हूँ। तो चलिए वेट करते हैं और देखते हैं। तो आपसे काफ़ी देर बाद मुलाकात होगी, क्योंकि यहाँ पे अभी इसको आने में टाइम लग सकता है ना, तो बीच बीच में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। दोस्तों समय हो गया 1:20 और 22 सेकेंड, देखिए ये काफ़ी नीचे आ रहा है, 2903 रुपये तक ये आ चुका था नीचे, मैंने वहाँ पर प्रॉफिट बुक नहीं किया था, फिर छोड़ दिया, वापस ऊपर गया, फिर नीचे आ रहा है, तो बिल्कुल बना हुआ हूँ। और ये देखिए मेरा कोई ट्रेड नहीं है, आप कह सकते हैं कि ये सर ये क्या कर रहे हैं आप पागलपंती, ये इतना से छोटा क्वांटिटी क्या दिखाना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी अपनी एनालिसिस और अगर आपका कॉन्फिडेंस होता है तो आप छोटे प्रॉफिट बड़े प्रॉफिट कोई मायने नहीं रखता, बल्कि आपका ट्रेड प्रॉफिटेबल होगा ज़्यादातर ये मायने रखता है। तो आप छोटे क्वांटिटी से भी आप प्रॉफिट बना के चल सकते हैं। अगर आप देखिए 1870 है मेरा ओवरऑल आज का टारगेट, हो सकता है नहीं आएगा, हो सकता है इसके आसपास में रख सकता है, मैं इसको छोड़ दूंगा, इसका स्टॉप लॉस पोस्ट कर दूंगा और बिल्कुल बने रहूंगा, क्योंकि 3:15 बजे वैसे भी ब्रोकर इसको काट ही देगा, इंट्राडे में लिया हुआ है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसको बंद करूंगा, क्योंकि बच्चे को स्कूल लाने के लिए जाना है, तो अभी मैं इसको बंद करूंगा, ठीक है। ये ट्रेड चलता रहेगा पर मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।